मौनी अमावस्या पर शुक्रवार को संगम क्षेत्र पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा स्नान के बाद मंदिरों में दर्शन पूजन भी किया। माघ मेले के मुख्य स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर संगम क्षेत्र में श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आया। सिर पर आस्था की गठरी लिए सुगमता से संगम की तरफ आगे बढ़ रहे करोड़ों श्रद्धालुओं के चेहरे पर आत्मसंतुष्टि का भाव स्पष्ट दिख रहा था। संगम किनारे बनाए गए स्नान घाटों में प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था से श्रद्धालु सहज होकर त्रिवेणी में पुण्यार्जन के लिए डुबकी लगा रहे हैं। मेला प्रशासन के मुताबिक सुबह 8 बजे तक 90 लाख श्रद्धालु एवं 10 बजे तक 1 करोड़ से अधिक लोग डुबकी लगा चुके हैं। दोपहर 2 बजे तक लगभग 1 करोड़ 70 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। शाम 4 बजे तक लगभग 1 करोड़ 95 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। गौरतलब हो संगम नगरी में स्नान दान का अपना अलग ही महात्म्य है। स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर मौन रह पुण्यकाल में मोक्ष दायिनी गंगा में डुबकी लगाने से मान्यता है जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। अमावस्या वैसे तो हर महीने में दो बार पड़ती है लेकिन माघ मास की अमावस्या का सनातन धर्म में अपना खास महात्म्य है। माघ मास को भी कार्तिक के समान पुण्य मास कहा गया है। गंगा तट पर इस कारण श्रद्धालु खास प्रयागराज त्रिवेणी संगम के तट पर एक मास तक कुटी बनाकर मायावी दुनिया से विरक्त होकर रहते हैं और नियमित गंगा स्नान कर भजन कीर्तन करते हैं। मौनी अमावस्या पर मौन रखकर प्रयागराज त्रिवेणी संगम या फिर बाबा की नगरी काशी में दशाश्वमेध घाट पर गंगा स्नान कर अपने संकल्प के पूरा होने पर घर लौटते हैं। पूरे साल में 12 अमावस्या होती है, इसमें से मौनी अमावस्या का अपना खास महत्व है।